वीडियो भी नहीं देखना छोड़ दिया, आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं, ना सब्सक्राइब करते ना कमेंट करते। एक बार बस हो चुका है, देखिए आलू, देखिए आलू, तो इसको खा के चेक करता हूँ। ये खाने के बाद सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। दोस्तों माय न्यू ब्लॉग पर स्वागत है, आप लोग कैसे हैं? काश आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो बाहर का मौसम देख सकते हैं कैसा हुआ है। ठीक है, बारिश वाला मौसम हुआ है, थोड़ा सा भी धूप नहीं निकला है। ठीक है, और आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन। बहुत दिन हो गया सोयाबीन का सब्जी खाए हुए, तो सोयाबीन बनाएंगे। ठीक है, सोयाबीन आलू का सब्जी बनाएंगे, एकदम स्पाइसी और वो भी देसी स्टाइल में। ओके, तो जो चैनल पे नए हैं पहले सब्सक्राइब कर दे गाइज। आप लोग वीडियो भी नहीं देखना छोड़ दिया, आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं, ना सब्सक्राइब करते ना कमेंट करते। एक बार बस समय का सब्सक्राइब करके देखिए और कमेंट करके देखिए। ठीक है, पैसा नहीं लगता है आपसे। ओके, तो चलिए बनाते हैं। और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और एक अपना प्यारा सा छोटा सा कोई सा भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आप बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चावल रख दिया है। ठीक है, और ये अपना सोयाबीन देखिए कैसे अच्छी तरह फूल चुका है एकदम। ठीक है, ये अच्छी तरीके से हमारा सोयाबीन फूल चुका है। इसको सारा मैंने तोड़ लिया है, छोटे बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, इतना बड़ा बड़ा हो गया था सोयाबीन, तो इसको तोड़ लिया हूँ। और चलते हैं पे ये प्याज दो ले लेंगे, और ये धनिया है तो धनिया को भी काटेंगे, पर पहले मिर्चा, इसमें तीखा तीखा मिर्चा ले लूँगा मैं। और ये गाइस आज का सब्जी बहुत तीखा होने वाला है, स्पाइसी। ये देखिए मैंने इतना मिर्चा ले लिया, और एक सूखा हुआ मिर्चा ले लेते हैं। ठीक है, इसको तो चलिए फटाक से इसको काट लेंगे। और ये दो आलू भी है, आलू भी छील के काट लूँगा। ठीक है, ये दो आलू छील के काट लूँगा। चलिए सारा कुछ ये काट लेता हूँ। ओके, यहाँ पे प्याज मिर्चा और यहाँ पे आलू भी कट चुका है। ठीक है, तो चलिए फटाक से अब रखते हैं कढ़ाई यहाँ पे, और चावल को देखते हैं क्या हाल है चावल का। चावल अभी हो ही रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाक से कढ़ाई रख लेता हूँ। ओके दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो चुका है। ठीक है, और इसमें अब तेल डालेंगे। ये हाँ, तेल डाल दिया, वेट करते हैं गर्म होने का। यहाँ पे देखिए चावल अपना, इसको फ्लेम कम कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऐसे ही ढक देता हूँ, और वेट करते हैं तेल गर्म होने का भी। तो दोस्तों तेल भी गर्म हो चुका है, और ये मिर्ची इसमें डाल देंगे सारे। ठीक है, इसको चला के थोड़ा, उसके बाद ऐसे ही छोड़ देंगे, ये थोड़ा का लाल हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा मिर्चा एकदम अच्छी तरीके से देख सकते हैं चल चुका है, और इसमें प्याज डालेंगे और इसको चलाएंगे। और इसमें नमक डालेंगे हम। ठीक है, नमक डाल देंगे, नमक का डब्बा, ये नमक डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया। ठीक है, इसको चला देंगे अब। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए ढकता हूँ। जब तक ये हमारा प्याज गल रहा है, ठीक है, तब तक इसको हम सारा ये निकाल लेंगे। पहले सोयाबीन निकाल लेता हूँ। ऐसे ही चलिए गाइस, ये सारा कुछ निकाल लेता हूँ मैं। ऐसे ही निकालना है, इसका पानी गार के इसके बाद निकाल देना है। ये
दोस्तों देखते हैं अपना प्याज, और यहाँ पे देखिए हमारा प्याज ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है और गल भी गया है, ठीक है। तो अब इसमें हम डालेंगे अपना सोयाबीन और आलू, ठीक है। ये अपना सोयाबीन आलू सारा इसमें डाल देंगे, अच्छी तरीके से चला देंगे। इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद इसमें मसाला वसाला ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ढक देते हैं। यहाँ पे देखिए अपना चावल भी एकदम मस्त हो चुका है, पर इसको अभी 5 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे, उसके बाद हटाएंगे, ओके। चलिए तो दोस्तों अब देखते हैं, ये देखिए हमारा सोयाबीन प्याज एकदम अच्छी तरीके से इसमें, और क्या स्मेल आ रहा है गाइस, मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये मीट मसाला डाल देंगे सारा, और ये हल्दी, कलर। तो दोस्तों इसमें हल्दी भी डाल दिया और मसाला भी अपना, और इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, ठीक है। ये हल्का सा इसमें हल्का सा पानी डालेंगे कि ये मसाला इसमें पके अच्छी तरीके से। ओ अब इसका स्मेल एक नंबर आ रहा है, इसके क्या बताऊँ, एक नंबर स्मेल आ रहा है इसका, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से ढक देते हैं और वेट करेंगे, और यहाँ पे हमारा चावल, ओ चावल भी हमारे एक नंबर हो चुका है। इसको करते हैं बंद, वेट करते हैं अपना सब्जी होने का, बस सब्जी होने का बाकी है, ठीक है। देखते हैं बहुत देर से चुका था, और ये देखिए अपना साला, वाव आलू देखते हैं, आलू अपना क्या हाल चाल है आलू, ये आलू भी हमारा हो चुका है, देखिए आलू, देखिए आलू भी हो चुका है हमारा। तो इसको थोड़ा और पकाएंगे 10 से 5 मिनट, ठीक है। इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, और इसको पकाएंगे। इसको छोड़ देंगे ऐसे, फिर अब इसको ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए आराम से। जो आलू जो कच्चा वच्चा रहेगा वो सारा एक ही बार में हो जाएगा, और यहाँ पे अपना चावल तो रेडी ही हो चुका है, ठीक है। चलिए वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं, और ये हमारा सोयाबीन का सब्जी देखिए कितना जानदार बना है, एकदम मस्त। ये आलू, ये देखिए आलू खचाखच कट रहा है, इसमें अब डाल देते हैं पानी, जितना हमें पानी चाहिए उतना हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। ये पानी डाला होगा इतना कि अभी ये पानी इसमें पकेगा, तो इसको ये फुल फ्लेम कर देते हैं और वेट करते हैं, इसका पानी एकदम जल जाएगा, एकदम हल्का सा लुटपुटार पानी रहेगा, तभी हम इसको उतारेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद और वेट करते हैं, ओके। तो दोस्तों देखते हैं अपना, ये देखिए अपना ये सब्जी एक नंबर हुआ है। इसका थोड़ा पानी और जलने देंगे, उसके बाद इसको अब हम सर्व करेंगे, ठीक है। इसका पानी जलने देते हैं, अब अपना ये देखिए सब्जी अपना हो चुका है एक नंबर। अब इसको करते हैं बंद, ठीक है।
इसको बंद करते हैं और इसको देते हैं और इसको सीख के चलते हैं अब डायरेक्ट नीचे, ठीक है, चावल और ये। चलिए फटाक से नीचे लेके चलते हैं तब खाएंगे। ओके, सारा कुछ ला दिया, चावल, अपना सब्जी, ठीक है, तो फटाक से मैं निकालता हूँ इसको, अपने सब्जी को। ओ ये देखिए गाइस, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कैसा बना है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखिए एकदम थोड़ा सा मसाला और एकदम चटपटा मस्त। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, ये सब्जी निकालता हूँ। ओह आलू, आलू भी इसमें ये हो चुका है, गल चुका है। ये अब इसको क्या करते हैं, ढक देता हूँ मैं फिर से। और अब बारी है चावल की, चावल लेने का। तो चलिए फटाक से मैं चावल निकाल लेता हूँ। ये अपना चावल निकाल लें। ओ भाई साहब, ये अपना मैंने चावल निकाल लिया। इसको करते हैं बंद, इसको ठंडा थोड़ा हल्का ठंडा होने देते हैं। और भाई साहब अब करते हैं इसको ट्राई। और ये देखें एकदम चावल, देखिए चावल एकदम छूते ही फूट जा रहा है एकदम। तो इसको खा के चेक करता हूँ। अरे भाई मजा आ गया। एक नंबर, देखिए। और आलू देखिए कैसा गल गया है, देखिए आलू एकदम मक्खन जैसा हुआ है। और ये देखिए सोयाबीन, बहुत ठंड गर्म है, ये देखिए मक्खन जैसा सोयाबीन टूट रहा है। इसको इसमें आपके लिए गरम गरम खाना पड़ रहा है। तो पहले गाइस सब्सक्राइब करो, फटाक से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये उठाया, ये देखिए इसमें मसाला एकदम नामंत्रा एक डाला हूँ। और देखिए एकदम गजब का लग रहा है, क्या बताऊँ। ये इस पे लगाया, इसको उठाया, मेरे कहने पे एक बार ट्राई करिएगा इसको खा के, एक एक नंबर सब्जी है सोयाबीन का। अब मैं, मेरा पसंदीदा है ये सोयाबीन का सब्जी, कुछ नहीं रहता ये बना के मस्त के। बहुत गर्म है, इस वीडियो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है,
आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट है आप लोग। ये खाने के बाद सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब करो, फटक से सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, अब खाना खाने के बाद मिलता हूँ। ओके,